जय हिंद बच्चों, मैं आनंद चौहान पाथफाइंडर डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से सभी का स्वागत करता हूं। कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज यानी सीडीएससी एग्जामिनेशन 2024 के बेटा नोटिफिकेशन जो है वो आउट हो चुके हैं 20 दिसंबर 2024 को। तो अब जो है आपको फॉर्म भरना है। सबसे पहले फॉर्म भरने के बाद अपने एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है। हम इस फॉर्म की बात करेंगे, सारी नोटिफिकेशन की बात करेंगे। सबसे पहली चीज तो ये कि अगर आप पहली बार सीडीएससी रेस में शामिल होने वाले हैं तो आपको पता होना चाहिए कि यूपीएससी कैसा एग्जामिनेशन, एक ऐसी बॉडी है ये भी पब्लिक सर्विस कमीशन जो आपके एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है। सबसे बेसिक फैक्ट्स है, ठीक है। हम इस नोटिफिकेशन की बात करेंगे। 20 दिसंबर 2023 को आपका नोटिफिकेशन आ चुका है। एज सून एज पॉसिबल आपको फॉर्म फिल करना है भैया। लास्ट डेट जो है वो क्या रखी गई है, वो 9 जनवरी रखी गई है शाम 6 बजे तक। तो बेटा मेरे, मुन्ना मेरे, बच्चा मेरे, एक रिक्वेस्ट है कि आखिरी के दौर तक मत जाइएगा, शुरुआत में ही भर लीजिएगा। 2023 में फॉर्म भर लीजिएगा, 2024 में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि 25 दिसंबर के बाद आप सब व्यस्त हो जाएंगे और फिर उधर नया साल का खुमारी रहती है, तो अंत में आपको हो सकता है किसी न किसी दिक्कतों का सामना उठाना पड़े। तो करना क्या है, विद इन अ वीक आपको फॉर्म फिल करना है ताकि आप किसी प्रकार की होने वाली असुविधा से बच सके बेटा, ठीक है। शाम 6 बजे लास्ट डेट है, क्या है? कितनी तारीख को, 9 जनवरी को, 9th of January 2024 को। फी पेमेंट जो है के लिए भी डेट टाइमिंग विल बी सेम, यानी 9th of January 2024 इज द लास्ट डेट टू सबमिट योर फीस, ठीक है बेटा। तो ध्यान रखने का इस चीज को, मॉडिफाई करने के लिए मौका मिलेगा। अगर गलती से भी अगर आपने तो गलती करी है तो यूपीएससी उस गलती को दोबारा गलती ना होने दे, इसलिए सुधारने का मौका देती है और कहती है क्या कि 10 से 16 जनवरी के बीच में बना तुम अपना फॉर्म जो है रेक्टिफाई कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। तो डोंट वरी अबाउट दैट। एग्जामिनेशन डेट भैया, एग्जामिनेशन फिक्स हो चुका है 21 अप्रैल 2024, 21 अप्रैल 2024 विल बी अ फाइनल डे, ठीक है ना। आखिरी दिन होगा आपका इस नोटिफिकेशन का, यानी उस दिन क्या होने वाला है, उस दिन आपका एग्जाम होने वाला है फाइनल, ठीक है। जनरल फॉर्म भरने की जो फीस है बेटा वो 200 रुपीज है फॉर द जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट्स। एससी एसटी कम्युनिटीज के लिए कोई पैसा नहीं लगेगा बच्चा मेरे, वो फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म फिल कर सकते हैं बेधड़क। और फॉर्म भरने के लिए दो ही तीन तरीके हैं, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, और आप चालान के माध्यम से भी अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जब तक पैसा नहीं जमा होगा तब तक फॉर्म एक्सेप्ट नहीं माना जाता है, तो वो इम्पोर्टेंट पार्ट है, बहुत ध्यान से, ठीक है। पिछले बार एक बच्चे ने क्या किया, फॉर्म भर दिया पैसा नहीं दिया, ठीक है, तो वो नहीं होना चाहिए किसी के साथ। इस बार यूपीएससी के लिए जो वैकेंसी डिटेल्स है, टोटल 457 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है, 457 वैकेंसी है, 457 अफसर बनने वाले हैं। सोचिए कितना बड़ा फिगर है ये, ठीक है, हर 6 महीने पे बहुत बड़ा फिगर है ये, ठीक है। और अगर आप मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली बेटा आप हिस्सा हो सकते हैं आईएमए के, इंडियन मिलिट्री एकेडमी में आप हिस्सा हो सकते हैं, इंडियन नेवल एकेडमी के आप हिस्सा हो सकते हैं, ऑफिस ट्रेनिंग एकेडमी के आप हिस्सा हो सकते हैं, एयरफोर्स एकेडमी के। आईएमए में जो सीटें हैं वो 100 सीटें हैं, और आईएमए के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो क्या है, किसी भी स्ट्रीम में आप क्या हो, आप ग्रेजुएट हो या अपीयरिंग फाइनल ईयर में हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं। एज लिमिट जो है वो 2 जनवरी 2001 से लेकर 1 जनवरी 2006 के बीच में है। नेवल एकेडमी में टोटल 32 सीट्स है, एज लिमिट विल बी सेम, लेकिन यहाँ पर जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो क्या है, इंजीनियरिंग होनी चाहिए आपके पास, यानी आपने बीटेक या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कर रखा हो तो ही आप फॉर्म भर सकते हैं। थर्ड वन इज एयरफोर्स, टोटल 32 सीट्स है, डेट ऑफ बर्थ ब्रैकेट इज सेम, एंड क्वालिफिकेशन जो यहाँ पर है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, यानी कि यहाँ पर दो तरीके से है, अगर आपने ग्रेजुएशन मैथ्स नहीं कर रखा है या बीटेक नहीं कर रखा है, और लेकिन अगर आपने 12th में अपने पीसीएम ले रखा था तो आप एलिजिबल हैं, डोंट वरी, आप एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ से। लेकिन और इसके अलावा जो बीटेक वाले बच्चे हो तो डेफिनेटली फॉर्म फिल कर सकते हैं। ओटीए शॉर्ट सर्विस कमीशन, अभी तक तो परमानेंट कमीशन की बात हो रही थी, अभी बात हो रही है शॉर्ट सर्विस कमीशन की। ऑफिस ट्रेनिंग अकेडमी 275 सीट्स, बहुत नंबर ऑफ सीट्स है, ठीक है ना। एज लिमिट जो है वो 2 जनवरी 2000 से लेकर 1 जनवरी 2006 के बीच में रखी गई है, और किसी भी स्ट्रीम से पास हो जा रहा ओटीए के लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है ओटीए वालों के लिए, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है, इट्स माय ओपिनियन। और जो बच्चियां हैं जो ओटीए ज्वाइन करना चाहती हैं उनके लिए 18 सीटें 18 सीट्स हैं, और ठीक है, हर 6 महीने में 18 बच्चियां जो है ओटीए में जाती हैं, ऑफिसर बनती हैं, बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है बच्चों के लिए, और बच्चा जो है सेलेक्ट हो सकता है यहाँ से। फॉर्म फिल कैसे करना है, ठीक है, वही सेम तरीका है, ओटीआर होना चाहिए, और वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो आपका फॉर्म नहीं एक्सेप्ट होगा, पहली बात यह। सबसे पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन करिए, ओटीआर करिए। दूसरी चीज, फॉर्म की फीस को सबमिट करिए, ठीक है ना। अगर आप जो है फॉर्म फीस के लिए एलिजिबल हैं
तो आप फॉर्म जरूर फॉर्म भरिए, फीस पे करिए, किसी माध्यम से पे करिए, उसके बाद आपको फॉर्म जो है वो फाइनल एक्सेप्टेड माना जाएगा। फॉर्म भरने के लिए करना क्या है, आपको upsc.gov.in पे जाना है, जो हमारी यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, उसी वेबसाइट पे जाकर के आपको फॉर्म फिल करना है सारे, ठीक है। फॉर्म भरने से पहले नोटिफिकेशन पढ़ना जरूरी होता है, इसीलिए बेटा वीडियो बना रहे हैं, ताकि आप वीडियो भी देख लें तो आपके मैक्सिमम से मैक्सिमम डाउट्स क्लियर हो जाए। आपके पास जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है ना, वो क्या है, वो सब स्कैन डॉक्यूमेंट होने चाहिए, आपका आईडी प्रूफ, आपका आईडी प्रूफ हो गया, ठीक है, आईडी प्रूफ है, आधार कार्ड हो गया, ठीक है, इसके अलावा एड्रेस डिटेल हो गया, बेसिक डिटेल जितनी भी है और जितने भी मार्कशीट है सब के आपके पास क्या होने चाहिए, स्कैन होनी चाहिए, साइन वाला भी होना चाहिए, फोटो भी होनी चाहिए, सब सब आपके पास स्कैन डॉक्यूमेंट होने चाहिए सबमिशन के लिए। फाइनल सबमिट करने से पहले आपको प्रीव्यू का ऑप्शन देता है यूपीएससी, ठीक है, और आप प्रीव्यू करके देख लेंगे, कोई गलती अगर है तो आप उसे सुधार लें वहीं पर। इफ कैंडिडेट वही फॉर्म भरने के लिए बोल रहा है यहाँ पर, बेटा अगर पैसा नहीं दोगे तो फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा, मैं फिर बता दे रहा हूँ, इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्म भरते वक्त जितनी एकाग्रता के साथ हम एग्जाम देते हैं, हमें उतनी ही एकाग्रता के साथ, उतने ही कंसंट्रेशन के साथ हमें क्या करना है, फॉर्म फिल करना है। ध्यान रखिएगा दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नोटिफिकेशन में दो ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक तो कब एग्जामिनेशन, कब फॉर्म शुरू हो रहा है और कब आपका एग्जामिनेशन है, एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक एंडिंग पॉइंट होता है, ठीक है। एंडिंग पॉइंट वो नहीं होता है कि जिस दिन हमारा एग्जामिनेशन, जिस दिन हमारा फॉर्म खत्म हो रहा है, लास्ट डेट, योर लास्ट डेट इज क्या, आपका एग्जामिनेशन, वो युद्ध होगा आपके लिए, ठीक है ना, वो धर्म युद्ध होगा आपके लिए, ठीक है, वहां से आप अपने करियर को एक नई ऊंचाई दे सकते हैं, एक नया आयाम दे सकते हैं, सोचने के तरीके को बदल सकते हैं, आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके समाज के लिए, आप कुछ भी कर सकते, मतलब अगर आप सेलेक्ट हो जाओ बेटा ना, तो आपकी लाइफ में क्या कुछ होने वाला है जिसका अंदाजा अभी आपको नहीं होने वाला होता है, वो जब आप ज्वाइन करने वाले होते हैं या ज्वाइन कर चुके होते हैं तो आपको बेहतर तरीके से समझ आता है। हम कोशिश हमेशा करते हैं कि आपको वो फ्यूचर हम दिखा पाए पहले से, वो हम फ्यूचरिस्टिक जो है जो थॉट्स वो आपके अंदर डेवलप कर पाए, इसलिए लगातार हम आपको कुछ ना कुछ बताते रहते हैं क्लासरूम में, ताकि आप उसी के लेकर के थोड़ा मोटिवेट रहें, और मोटिवेशन जो है वो सफलता का अल्टीमेट की है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, सेल्फ मोटिवेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट की, मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है बेटा। खूब मोटिवेट रहिए, हाईली मोटिवेट रहिए, खूब पढ़िए, पढ़ने के अलावा मुझे नहीं लगता किसी बच्चे के पास आज के समय में कोई दूसरा कार्य होता है, ठीक है, कोई काम नहीं होता, सिर्फ जो है 90% बच्चे जो होते हैं सिर्फ एक ही काम करते हैं, पढ़ाई का। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आपका 21 अप्रैल 2024 को एग्जाम होने वाला है वो सभी आप सभी पास करेंगे, और आप सब लोग भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना, ठीक है, और ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी का हिस्सा बनेंगे और देश का नाम रोशन करेंगे और देश के लिए कुछ योगदान करें, कुछ बड़ा करें, क्योंकि ये जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, ठीक है ना, इनसे बेहतर आप जो है देश के लिए इस काम से बेहतर या इस सर्विस से बेहतर कोई दूसरी सर्विस नहीं हो सकती, देश की सर्विस तो हर कोई करता है, ठीक है, लेकिन एक जो एक वर्दी वाली सर्विस है, एक जो डिफेंस पर्सन जो सर्विस करता है देश की, ठीक है ना, उससे बेहतर प्लेटफॉर्म हो सकता है, आप अपने आप को प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, ये आपके लिए बेहतर प्लेटफॉर्म है। जो बच्चे सीडीएस के लिए तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए हम बता दें कि पाथफाइंडर डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत है, आप आ सकते हैं, 26 दिसंबर से नया बैच स्टार्ट हो रहा है एनडीए और सीडीएस दोनों का। इसके अलावा और नेक्स्ट ईयर में 3rd of Jan से हमारा एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है। बैच स्ट्रेंथ जो है वो लिमिटेड होती है, ऐसा नहीं है कि 200-300 बच्चा, 150 बच्चा क्लास में पढ़ता है, इट्स नॉट लाइक दैट, स्मॉल बैचेस में ब्रीफ रखते हैं ताकि हम इंडिविजुअल अटेंशन दे पाए, क्योंकि इंडिविजुअल अटेंशन वो इम्पोर्टेंट होता है कॉम्पिटिशन में, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने एग्जामिनेशन को तैयार कर, अपने एग्जामिनेशन को थार देने के लिए, तैयार करने के लिए आप जो है हर संभव कोशिश करेंगे। ओके बच्चा, जय हिंद, जय भारत।